देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है सुरेंद्र जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो कर लें और साथ ही लाइक करें हमारे फेसबुक पेज को। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। जब मेरी बस को बारात जाने के लिए रिजर्व किया गया तब मैं काफ़ी खुश था क्योंकि बहुत दिनों के बाद मुझे इतना बड़ा भाड़ा मिल रहा था। बारातियों के दिए गए वक्त के मुताबिक मैं ठीक टाइम पर वहां पहुंच गया जहां मुझे अपनी बस लेकर पहुंचना था। मैं बस लेकर वहां पहुंचा तो मुझे वेट करने को कहा गया, लिहाजन मैं बस का इंजन ऑफ करके वहीं बस के भीतर ही वेट करने लगा। बस में बैठे बैठे अब मुझे काफ़ी वक्त बीत गया था और अब मैं बोर होने लगा था, जिस वजह से मैं बस से बाहर आ गया। बस से बाहर निकलते ही मैंने अपनी नज़रें घड़ी पर डाली तो वक्त हो रहा था रात के 10:30 बजे का। घड़ी से अपनी नज़रें हटाने के बाद मैंने अपनी निगाहें ऊपर आसमान की तरफ घुमाई तो मौसम का मिजाज थोड़ा बिगड़ा बिगड़ा सा लग रहा था। इसी बीच मैंने वहीं से गुजर रहे एक आदमी से पूछा, अरे भाई साहब, ये बारात कब निकलेगी? जिस पर वो आदमी मुझे थोड़ी देर का बोलकर चला गया। अब उस आदमी को गए हुए 20 मिनट बीत चुके थे और अब इंतजार की इम्तिहान हो गई थी। मेरे अपने टाइम पर पहुंचने के बावजूद भी बारात निकलने में अब तक 1.5 घंटे की देरी हो गई थी। थोड़ी देर और वेट करने के बाद सारे बाराती बस में सवार हो गए, जिनके साथ ही मैं भी बस में सवार हो गया और ड्राइविंग सीट पर जाकर बस का इंजन ऑन किया। लड़की वालों के घर के पते के मुताबिक मैं बस को रोड पर भगाए जा रहा था। बस के भीतर गाने बजाने का माहौल बना हुआ था, सभी बाराती अपने ही धुन में मस्त थे। मैं अभी बस चला ही रहा था कि तभी अचानक ही तेज बारिश शुरू हो गई। इसी तरह अचानक ही तेज बारिश का आना कोई हैरानी वाली बात नहीं थी क्योंकि इन दिनों बारिश का ही सीजन चल रहा था, तो ऐसे में इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं थी। उन सभी बारातियों के साथ एक चाचा जी भी बस में सवार थे जो मेरे ही पास बैठे थे और मुझसे गप्पे लड़ा रहे थे। मैंने भी सोचा कि बोर होने से तो अच्छा है कि इन्हीं चाचा जी से बातें की जाए। मैं अभी उन चाचा जी से गप्पे लड़ाते हुए ड्राइविंग कर ही रहा था कि तभी मुझे बस रोकने को कहा गया, लिहाजन मैंने बस को सड़क के एक किनारे पर रोक दिया। बस रोकते ही दो लड़के बस से बाहर गए, शायद उन्हें टॉयलेट जाना था। कुछ देर बाद उनके बस में बैठते ही मैंने बस को आगे बढ़ा लिया। अब तक रात बहुत हो चुकी थी और सभी हल्की हल्की बारिश हो रही थी। अभी हमारी बस जिस रास्ते पर आगे बढ़ रही थी वो रास्ता काफ़ी सुनसान था। उस सुनसान रास्ते पर सिवाय हमारी बस के ना ही कोई गाड़ी थी और ना ही कोई इंसान। सिर्फ उस एक रोड पर हम आगे बढ़े जा रहे थे। उस एक रोड को छोड़कर अगल बगल के इलाकों में थोड़ा थोड़ा पानी भर गया था। खैर, इस बात को नज़रअंदाज करके मैं ड्राइविंग पर ध्यान देने लगा। मेरी बस अभी अपनी पूरी रफ्तार से उस रोड पर आगे बढ़ रही थी कि तभी सामने सड़क पर मुझे दो लड़के दिखे जो हाथ दिखाकर बस रोकने का इशारा कर रहे थे। जिन्हें देखते ही एक पल को तो मुझे लगा कि कहीं ये कोई गलत आदमी तो नहीं है, मगर उनके पहनावे से तो वो दोनों किसी अच्छे घर के लग रहे थे। बस को हाथ दिखाते दिखाते वो दोनों अब बस के सामने आ गए थे, जिस वजह से मुझे बस रोकना ही पड़ा।
बस रोककर मैंने खिड़की से अपना माथा निकालते हुए पूछा, अरे भाई क्या हुआ? जिस पर उन्होंने बताया कि सामने जो पुल था वो तेज पानी के बहाव से टूट गया है। मुझे उनकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था, लिहाजन मैं बस से बाहर निकला और थोड़ा आगे बढ़कर देखा तो सचमुच में पुल टूट चुका था और पुल के नीचे का पानी बुरी तरह से उफान मार रहा था। यह देखकर मैंने अपनी किस्मत की तारीफ की, क्योंकि जिस रफ्तार से मेरी बस चल रही थी, अगर उन लड़कों ने हमें रोकने में एक पल की भी देरी की होती तो आज शायद हम बस के साथ इस उफनती नदी में बह जाते। लिहाजन मैं शुक्रिया बोलने के लिए उन दोनों लड़कों की तरफ पलटा तो वो दोनों लड़के अब वहां से जाने लगे थे। मैं भी उनके पीछे पीछे धन्यवाद बोलने के लिए जाने लगा। थोड़ी दूर जाकर वो दोनों लड़के एक छोटे से घर के भीतर चले गए। मैं भी उनका और पीछा नहीं किया और फटाफट बस में आकर बैठ गया। हम लोग अब यही सोच रहे थे कि आगे क्या किया जाए, क्योंकि आगे जाने का इकलौता यही एक रास्ता था। हम लोगों ने बस को वापस घुमा लेने का तय कर लिया था कि तभी पुलिस की एक पेट्रोलिंग टीम हमारे पास आई, जिनमें से एक हवलदार ने हमें रोकते हुए पूछा, क्या हुआ तुम लोग यहाँ इतनी रात गए? जिस पर मैं बस से उतरकर उन्हें पूरी बात बताई और उन दोनों लड़कों की वजह से किस तरह हमारी जान बच गई ये भी उन्हें बताया। जिस पर उस हवलदार ने मुझसे पूछा, अच्छा तो वो दोनों लड़के किस तरफ गए, जरा हमें भी ले चलो। जिस पर मैं उन्हें उस छोटे से घर की तरफ ले जाने लगा। वहां पहुंचने के बाद मुझे वो घर कहीं भी नहीं दिखा, जिस पर मैं थोड़ा घबरा गया। इससे पहले कि मैं थोड़ा और आगे जाता, पुलिस वालों ने मुझे रोकते हुए कहा, देखो तो कहीं ये दोनों लड़के वही तो नहीं है। मैंने उनके मोबाइल में वो फोटो देखी तो वो उन्हीं दोनों लड़कों की फोटो थी, जिस पर मैं उन पुलिस वालों में से कहा, हाँ साहब यही तो थे। मेरे यह बोलने के बाद पुलिस वालों ने बताया कि इन दोनों लड़कों के मरे आज 2 दिन बीत चुके हैं। इस टूटे हुए पुल की वजह से तेज बहाव के चपेट में आकर इनकी मौत हो चुकी है। आगे पुलिस वालों ने बताया कि दरअसल पिछले 2 रातों से इन दोनों लड़कों की आत्माओं ने तुम्हारी तरह कई लोगों की जान बचाई है। इतना सब सुनने के बाद मैं अधमरा सा हो गया था। इसी बीच उनमें से एक हवलदार ने बताया कि अभी तुम और हम जहां खड़े हैं वो एक शमशान घाट है। तो दोस्तों, ये थी सुरेंद्र जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी लेकर।